महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे, उनका मन संशय से भरा हुआ था और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का ऐसा रास्ता दिखाया था जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी लोग गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेते हैं, वे हर काम में विजय हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर लोगों का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, यानी कि सच्चा सुख नहीं पा सकते हैं। इसलिए अपने मन पर लगाम कसें। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वे मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। गीता के अनुसार लोग गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं, जिसके आवेश में आकर लोग गलत काम भी कर देते हैं। कभी कभी गुस्से में लोग खुद का अहित कर बैठते हैं, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें। बिना फल के बारे में सोचे कर्म करना, गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार इंसान का मुख्य काम यही है कि वह कर्म करे। वह जो भी पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए ईमानदारी से कार्य करें। इसके लिए उसे मिलने वाले नतीजे से ध्यान हटाना जरूरी है। कर्म अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल वक्त भी सकारात्मक सोच की दम पर पार किया जा सकता है। सोच सही हो तो लोग आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। सकारात्मकता से भरा दिमाग हर समस्या का हल खोजने में सक्षम होता है, जबकि नकारात्मकता मनुष्य को निराशा के गर्त में ले जाती है और उसे हार दिलाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।